दोस्तों, अक्सर मार्केट से आलू लाते वक्त आपके पास गिन चुन के कुछ हरे रंग के आलू भी आ जाते होंगे। कहते हैं कि ये हरे रंग के आलू जहरीले होते हैं। आलू का जो हिस्सा हरा होता है उसमें एक प्रकार का केमिकल सोलेनिन होता है। ये केमिकल न केवल आलू में ही बल्कि शिमला मिर्च तथा बैंगन में भी पाया जाता है। आलू का यदि कोई भाग हरा रह गया है तो उसे काटकर अवश्य निकाल देना चाहिए, क्योंकि उसमें सोलेनाइन नामक विषैला पदार्थ होता है। इसके अतिरिक्त यदि आलू में अंकुर आ गए हों तो अंकुरित भाग काटकर अवश्य निकाल देना चाहिए और उसे प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। अंकुरित होने पर आलू में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट स्टार्च शुगर में बदलने लगता है, जिस वजह से आलू काफ़ी नरम हो जाता है। ये प्रक्रिया सोलानिन और अल्फा कैकोनिन नामक दो एल्कलाइड के उत्पादन का कारण बनते हैं। सोलानिन को विषाक्त माना जाता है। इसी प्रकार लौकी में कड़वापन टेट्रोसाइक्लिक ट्राइटरपेनोइड कुकरबिटासिन नामक टॉक्सिन के कारण होता है। शरीर में अधिक मात्रा में ये कड़वापन जाने पर इससे उल्टी, दस्त, रक्तस्राव होने लगता है। ऐसी लौकी में जहरीला कुकरबिटासिन केमिकल पाया जाता है, जो बॉडी में जाने के एवरेज 5 मिनट के अंदर असर दिखाने लगता है। खून के रास्ते ये केमिकल लिवर और किडनी सहित जहाँ जहाँ बॉडी में जाता है वहाँ के ऑर्गन को फेल कर देता है। मल्टी ऑर्गन का फेल होना ही मौत का कारण बनता है। सिर्फ चख कर ही इसकी पहचान आप कर सकते हैं। ऐसे में खरीदते समय या घर लाकर लौकी को काट कर रखें और उसे चखें पहले। अगर कड़वी लगे तो उसे तुरंत थूक दें और उस लौकी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि थोड़ी मात्रा में भी इसका सेवन खतरनाक आपके लिए हो सकता है। इन बातों को जानें और खान पान में सजग रहें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।